video. video. 40 men crammed into a filthy overcrowded three-bedroom home for months on end sharing a single shower bad. cooking over one stove not that there's anything to make they tell us food that was being supplied hasn't come for three days three days we are not we don't have nothing to eat only just drinking water No No no, food. food, food, nothing. sir. Only drinking Drinking water. water. देखो हो क्या रहा है कि ये जो वर्क वीजा का जो स्कैम है ना वो आज सबके सामने आ चुका है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे और अभी भी बना रहा हूँ अगर आप लोग पैसा देके यहाँ पर आ रहे हो तो उसका मतलब ये होगा कि आपके साथ स्कैम हो सकता है आज से नौ से दस महीने पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें ग्यारह मिलियन व्यूज आए थे उसमें मैंने आपको बताया कि ये वीजा आपको फ्री में मिल सकता है फिर भी लोगों ने पैसे दिए और हुआ क्या फिर से स्कैम हो गया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो मेरा नहीं है न्यूज हब जो कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी न्यूज की चैनल है उसके ऊपर ये वीडियो वायरल हुआ है इसके बाद दूसरा वीडियो आया था वो कल ही आया था उसमें भी इन लोगों ने दिखाया कि एक छोटे से रूम के अंदर बारह लोग तेरह लोगों को रखा है और जब भी कंपनी को फोन करते है कि हमें कब से काम मिलेगा जब भी वो लोग कंपनी को फोन करते हैं तब कंपनी से एक ही आंसर आता है हम लोग आपका काम करवा रहे हैं आप अपना लाइसेंस बनवा लो उसके बाद आपको ड्राइविंग की जॉब मिल जाएगी ये सबसे बड़ा स्कैम न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है तीन साल का अगर वर्क वीजा लेके आप आ रहे हो तो प्लीज मत आइए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए अभी क्या क्या होने लगा है और क्या होने वाला है अभी जब कंपनी आपको बोलती है कि आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा ये सा अकोमोडेशन एक रूम के अंदर कितने बेड है देखो सामान भी लोगों का रखा नहीं जा सकता यहाँ पर एक दो तीन चार वो तो डबल बेड है ये देखो एक रूम के अंदर कितने बेड है ये देखो गराज उसके अंदर कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं लोगों को ऐसा अकोमोडेशन देता है कोई ये देखिए ये है कंपनी ऐसा करती ऐसा स्कैम होता है न्यूजीलैंड में अभी आना है न्यूजीलैंड में आपको और वो भी वीजा पे इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद ऐसी लाइफ जीनी है आपको ऐसे आओगे आप न्यूजीलैंड में कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ अगर ऐसा करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके साइड कोई नहीं है आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में इससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो तो परेशान करना बंद ही कर देगा आपको महीने का ओपन वर्क यहाँ